नमस्कार बहुत स्वागत है देखने, ज्योतिष जरा हटके आपके साथ मैं हूँ आपका फ्रेंड संतोष संतोषी सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक फिर 15 मई को ये वृषभ में आ जाएंगे भैया मेष राशि सूर्य देव की अपनी उच्च राशि होती है उच्च राशि में जाहिर सी बात है कि दिव्य फल देते हैं और सिंह राशि से अगर हम कैलकुलेट करें सूर्य देव की अपनी राशि से तो नौवे में आ जाते हैं नवम में आते हैं तो भावाद भाव फलम सिद्धांत के अनुसार यह अपने आप में ही अनोखा बन जाता है अनोखा महाविलक्षण और यहां से आरंभ होता है सूर्य का दिव्य फल तो मेष से लेकर मीन तक क्या मिलेगा आप सबको दिव्य फल इसकी पूरी जानकारी लेकर के आ गए हैं धड़कनों को थाम कर बैठिएगा क्योंकि हो सकता है आप गाड़ी खरीद लें घर खरीद लें बॉयफ्रेंड मिल जाए बच्चे का जन्म हो जाए घर की छत लद जाए गाड़ी की साइज बढ़ जाए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं तो आइए बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक क्या रहेगा सूर्य का महापरिवर्तन वाला फल जानते हैं मेष राशि आपके लिए सूर्य का फल अनोखा है क्योंकि आपकी ही राशि में सूर्य देव प्रवेश किए हैं लिहाजा कार्य क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा हालांकि मैं बताऊं आपको कि राहु भी है साथ में लेकिन वो युति फल तो अलग विषय हो गया युति फल तो विषय अलग हो गया हम इंडिविजुअल सूर्य पर ही आए हैं सूर्य को ही समझें आप लोग तो बड़ा फायदा लाभ की दृष्टि से मिलेगा युति की दृष्टि से हानि वो विषय अलग है उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे वृषभ की बात कर लें तो आपके द्वादश स्थान पर सूर्य की ये युति जो है सूर्य का ये उच्च फल मिलने वाला है तो आपका विदेश से पेंडिंग जितना काम होगा उसमें गति आएगी और प्लस बाहरी लोगों से संबंधित कुछ बड़ा फायदा होगा लाइक किसी से कुछ उधार लेना था तो वो मिल जाएगा किसी से कुछ आपका ही पैसा फंसा था वो लेना है तो वो मिल जाएगा कोई बहुत ज्यादा आपको अवॉइड कर रहा था तो अवॉइड नहीं करेगा तो ये सारी चीजें आपकी राशि से द्वादश में आकर सूर्य दे देंगे मिथुन राशि लाभ के कई गुना रास्ते बढ़ जाएंगे सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा कई तरह से आपको लाभ होने वाला है बड़ा फायदा रहेगा इसकी दृष्टिफल अलग विषय है मैं उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा सूर्य के परिवर्तन का लाभ पहले आप जान लीजिए लाभ ही लाभ है पहले फिलहाल तो लाभ है लाभ है हानि कौन देखता है जो फायदा हो रहा है तो देखा जाएगा अब भाई सौ आ रहा है नब्बे खर्चो हो जाए तब वो तो दस बचेवा करेगा कर्क राशि दसम भाव में है राज्य पक्ष का लाभ पैतृक संपत्ति संपदा का लाभ विवादों से मुक्ति का लाभ कोर्ट कचहरी में लाभ प्रमोशन का लाभ नई नौकरी का लाभ जीवन में शुभता का लाभ सिंह राशि भाग्य स्थान पर है सूर्य धार्मिक यात्राओं का लाभ मात्र सत्ता से लाभ ननिहाल पक्ष का लाभ धन का लाभ मित्रों से लाभ भाइयों से लाभ क्योंकि तृतीय से सप्तम में रहेंगे सब लाभ है लाभ मिलेगा आपको और व्यक्तित्व में लाभ इंटरव्यू में सफलता का लाभ ये सब लाभ मिलेगा कन्या राशि आपके अष्टम भाव में आएंगे अष्टम में आकर गुप्त ज्ञान का लाभ अतीन्द्रिय ज्ञान का लाभ गुप्त धन का लाभ कैश का लाभ मित्रों का लाभ कुटुंब का लाभ धन का लाभ आदि मिलता हुआ दिखाई देता है सप्तम से द्वितीय में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी के बीच तनाव कम होगा तुला राशि आपके सेवेंथ हाउस में आया है लिहाजा ससुराल पक्ष से लाभ चाहे स्त्री हो या पुरुष धन का लाभ वैभव का लाभ चतुर्थ से चतुर्थ में उच्च का है मकान का लाभ वाहन का लाभ संतान का सुख लाभ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह परिवर्तन छठे भाव में है गुप्त शत्रुओं पर विजय दिला देगा जितने भी गुप्त शत्रु हैं आपके उन पे आपको विजय मिल जाएगी रुके धन का लाभ होगा जो कर्ज लिया था उससे मुक्ति मिलेगी इधर उधर की बातों से उलझनों से मुक्ति मिलेगी धन का लाभ होता जाएगा धनु राशि आपके पंचम भाव में है प्रेम संबंधों में लाभ संतान सुख का लाभ संतान पक्ष से लाभ मकान का लाभ चतुर्थ से द्वितीय में आए हैं इधर उधर की बातों से मुक्ति नवेश हैं आपके गजब का फायदा होगा अतींद्रिय ज्ञान आदि से भी लाभ होगा मकर राशि चौथे में रहेंगे मकान भवन भूमि भवन का आदि का लाभ अष्टमेश होकर के आए हैं अतीन्द्रिय ज्ञान का लाभ पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत विवाद लेकिन बाकी चीज़ों में आपको फायदा होगा कुंभ राशि तृतीय भाव में भाई बंधुओं से लाभ होगा मकान का विशेष सुख मिलेगा आपको इधर उधर की बातों से मुक्ति मिलेगी और सबसे बड़ी चीज आपको अकस्मात कुछ बड़ा अवसर भी मिलने वाला है अंतिम राशि मीन द्वितीयस्थ रहेंगे धन का लाभ होगा कुटुंब का लाभ होगा संतान का लाभ होगा परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन होगा पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा शीघ्र विवाह के संयोग बनेंगे और गुप्त शत्रुओं पर जीत मिलेगी कहीं नकारात्मक है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे सकारात्मक पक्ष आपने जरूर सुन लिया है इसकी दृष्टि सातवीं नीच की रहेगी और सूर्य के साथ राहु रहेगा तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ा धैर्य रखें फिलहाल सूर्य की शांति के निमित्त ओम घृण सूर्याय नमः का जाप करते रहिएगा सात्विक रहिएगा बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद नमस्कार